नाम क्या है तुम्हारा? निर्जरा। मतलब? मतलब नाम है मेरा। बहुत डिफिकल्ट नाम है, इसलिए मतलब पूछ रहा हूं। वो तो नहीं मालूम। नाम किसने रखा? माँ ने रखा था। तो माँ से पूछ क्या ना कल? वो तो मर गई। बाप तो है ना? कल बाप से पूछ क्या ना? जी। शुक्रिया, पाप करने से बचा लिया मुझे। जी वो टिफिन बदे तो जाने दे। से मारता क्यों है यार? ये लो। अजी सुनिए, जब आपके मोरपंख एक से दो जाए ना तो एक मुझे देना। ये लो भाई साहब, कितने पैसे हुए? अरे नैनी साहब, राधे भैया से पैसे कैसे ले सकते हम? जी हाँ साहब। नमस्ते राधे भैया। देखा देखा आपने, देवर का रुआब देखा? फूल वाला इनसे पैसे नहीं लेता, लोग इनके डर के मारे सलाम किए जा रहे हैं। डरते नहीं, इज्जत करते हैं, और वो भी आपको रास नहीं आती। देखो तुम ये बातें हैं, अब मैं चलूं या जाऊं? अरे ऐसे किसे जाओगे? हाँ आप भी ना कमाल करते हैं, आज हमारे राधे का जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो इसे ताने मत मारो। अब चलो आओ। गुरु ग्रह गया पढ़न रघु राई अल्प का बेटी, घर में थोड़ी खीर बना लेना, रामेश्वर को पसंद है। जी बाबा। प्रसाद किस नाम से चढ़ाना है? हमारी राधे मोहन के नाम से। सुनिए इधर आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो तुम महंत की बेटी हो? हाँ, ब्राह्मण है हम। बाबा कहते हैं हमारे पूर्वज इसी मंदिर में महंत हुआ करते थे। मुझे मेरे पूर्वज उर्वज के बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे परदादा अंग्रेजों की टीम में हॉकी खेलते थे, एक्स्ट्रा में। मेरे दादा ध्यानचंद और ज्ञानचंद की टीम में हॉकी खेलते थे, वो भी एक्स्ट्रा में। फुटबॉल खेलते हुए मेरे बाबा का अंगूठा टूट गया और उन्होंने हॉकी की दुकान खोल ली। इसीलिए आप सबको हॉकी से मारते हैं जी? क्या हुआ? जी बाल चले गए हाथ में। ये लीजिए, थोड़ा सेक लीजिए। तो तुमने अपना नाम का मतलब पता लगाया? हाँ। बताओ। निर्जरा। जरा यानी मृत्यु, तो निर्जरा का मतलब हुआ अमर। हाँ इसका एक धार्मिक अर्थ है, कर्मों के बंधन में फंस के आत्मा मलिन हो जाती है और तप करने से कर्मों के बंधन कट जाते हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। ये लीजिए। क्या ये? गुजिया। दो तीन और देना जी भतीजी के लिए। कहाँ से लिए? लिए नहीं, खुद बनाए हैं। दोनों बहुत अच्छी हैं, गुजिया भी
और तुम्हारा नाम भी। नाम तो तुम्हारा भी अच्छा है। हाँ? राधेमोहन किशन का दूसरा नाम है, पता है तुम्हें? गौर फरमाइएगा साहिबान, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। आइए राधे भैया सुनिए, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी। And the next contestant is Miss Nirjana Bhardwaj from City College. आ गई सिटी कॉलेज की जय भदुड़ी। अभी कविता सुनाएंगी और बोर करेंगी। विक्स की गोली लो, खिचकी दूर करो। अरे वाह वाह, क्या ठसका लिया, हाय हाय हाय। तारे क्या है, रात की सूरज यूं पश्चिम भी है एक पूरब। अरे जोग्राफिया तो समझ में आ गया, आगे भी तो बोल। निर्जरा बोलो, आगे बोलो। आगे बोलने नहीं देते हैं ये। अरे और क्या सुने, उत्तर पूरब में है, पूरब दक्षिण में। अरे आगे भी तो बढ़ बोल। अरे हाँ हाँ राधे भैया, स्टेज पे आकर कुछ गाना वाना सुनाइए। अरे राधे भैया हो जाए एकदम ठुमके। देखिए स्टेज पर चढ़कर माइक पे बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब अगर ये कविता मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए वो चुपचाप बैठ करके कविता सुने, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। सब कंट्रोल में, आइए तालियां। तारे क्या है, रात के सूरज यूं पश्चिम भी है एक पूरब। धरती है सूरज की बेटी, आकर्षण शैया पर लेटी। सूरज आग भरी एक गगरी, छलके निस्तन नगरी नगरी। नीला गगन कहाँ है, क्या है, केवल नजरों का धोखा। राधे जी कविता खत्म हो गई। ब्यूटीफुल। अरे ताल मिले नदी के जोर से। इनसे पूछे, मैं पूछती हूँ। माली जी सुनिए, 7/36 यही है? हाँ यही है, बोलो। वो जो रहते हैं ना उनसे मिलना है। मैं ही आ रहता हूँ, बोलो। नहीं तुम नहीं, वो राधे सर से मिलना है। किस लिए? वो हम उन्हीं को बताएंगे, तुम जाकर कह दो कोई मिलने आया है। अच्छा अच्छा, अंदर बैठो, बुलाता हूँ। हाँ बिंदी बेटा, कौन है? असम दर्द देखिए, पैंट की फिटिंग बराबर के। गुड मॉर्निंग सर। जा। ओके। बैठी ना, प्लीज सेट। बैठी बैठी, कहीं कांच ना टूट जाए, कहीं कैसे आना हुआ जी? वो इनका नाम क्या है? इंदु। इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए ना, बोलिए जी। वो कुछ मत बोलिए, पहले बताइए क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफी, ठंडा, समोसे, बिस्किट? जी अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पहली बार घर पे आई हैं, कुछ ना कुछ तो। ये असलम। हाँ बोल। जा जरा दो डाइट कोक और पहलवान के समोसे लेके ना, समोसे बहुत अच्छे बनाता है वो। और सुन। हाँ। सिगरेट दे जा यार, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ये ले। और सुन जल्दी आ जाना। अच्छा असलम इधर आओ। जी बड़े भैया। कौन है? ये मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा सर, सर एक समस्या है,
दरअसल कल से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हैं और बेचारी निर्जरा बहुत परेशान है। क्यों, पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, असल में वो नहीं सर, इसका एडमिशन कार्ड खो गया है। जी, किताब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि बिना कार्ड के परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आई हैं। चलो मैं ऐसा करेंगे कि नोटिस बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे, वहां नोटिस बोर्ड उखड़ा, यहां आप एग्जाम में बैठना। जी, वो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके नहीं हो सकता है? देखिए निर्जरा जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। डाइट कोक, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे लेके 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 इधर लीजिए प्लीज, यहां पर रखिए, एक लीजिए ना डाइट कोक, ये लीजिए, समोसा लीजिए, हियर आप ये ले, आप डाइट कोक पीजिए, समोसा खाइए और टेंशन मत लीजिए। और ये आप लीजिए। हेलो राधे सर, किसी और चीज की जरूरत हो तो भिजवाऊं क्या? नहीं शुक्रिया, सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। ये ले पकड़, अब ये फोन कभी नहीं बचेगा। चलो 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 चलो, सब लोग बाहर निकलो, चलो 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 मैडम, चलो मैडम, मैडम आप कृपा करके बाहर जाएंगी प्लीज। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ यार, गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। खाना खाया आपने? जी। आजकल मेरे दोस्तों ने एक नया निकाला है, वो कहते हैं कि मेरा मामला फिट हो गया है, सेट हो गया है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि टिल द टाइम आई डोंट हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आई डोंट बिलीव इन। हाँ ये अलग बात है कि डेढ़ दो हफ्ते से मैं कुछ चेंज सा हो गया हूँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा हूं, सोचता हूं कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर नौकरी कर लूं, किसी अच्छे से पेयर बार में, एक बाउंसर या बॉडीगार्ड की नौकरी। जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यही तो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये और ये, गौर से देखिए, क्या बजी? ताली है ना, कैसी बजी? जब ये हाथ और ये हाथ ऐसे मिले, अब आप एक हाथ हो और मैं दूसरा हाथ, हमको भी ऐसे मिल जाना चाहिए। फिलॉसफी के रूट से समझा रहे हैं राधे भैया। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं, है ना, आ रहा है ना? उसकी फिक्र मत करो, ऑर्थोडॉक्स हैं जरूर, लेकिन अगर एक दो दिन खाना नहीं खाऊंगा ना मैं तो सब ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे पिताजी ने कुछ आना खाने की तो खुले हाथ से उनके कान के नीचे उनके गर्दन पर एक करारा चमाट मारूंगा। शादी के 10 दिन बाद उठेंगे।